नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सरकार की बनाई हुई नीतियों के कारण आज एक बार फिर से अंबाला का नगर निगम चर्चा में आ गया है। नगर पालिका कर्मचारी संघ एक बार फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। संघ के कर्मचारियों का कहना है कि सरकार अपने वादों पर पूरी नहीं उतरती और सरकार उनके साथ भेदभाव भी करती है। सतपाल मचल से बात करने पर उन्होंने बताया कि सरकार से उनकी कुछ मांगे हैं जिन्हें सरकार पूरी नहीं कर रही है। वो समय समय पर ज्ञापन देते रहते हैं लेकिन उसका कोई भी उत्तर उन्हें नहीं मिलता, जिसके कारण उन्हें बार बार प्रदर्शन करना पड़ता है। नगर पालिका कर्मचारी संघ ने कोरोना काल में बहुत मेहनत की है लेकिन सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार कच्चे कर्मचारियों के प्रति बेरुखी अपना रही है। उनकी सरकार से ये मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए ताकि वो अपना विकास कर सके। जो सरकार ने पुरानी पेंशन नीति को बंद किया है उसे फिर से बहाल किया जाए और नई पेंशन नीति को बंद किया जाए। उनकी सरकार से ये मांग है कि ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए क्योंकि ठेकेदार अपने मनमाने ढंग से कर्मचारियों को उनका मेहनताना देते हैं जिससे कर्मचारियों को अपना गुजर बसर करने में परेशानी होती है। अंबाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हरियाणा संबंधित यूनियन के साथी मैं प्रधान सतपाल मचल, मैं 28 तारीख को भी हड़ताल पर था, आज दूसरा दिन जा रहा है हड़ताल का, आज 29 तारीख हो गई है। हमारी कुछ डिमांडे ऐसी है सरकार द्वारा, हमने कमल गुप्ता जी के पास भी गए, वहाँ उन्होंने हमारे को विश्वास दिलाया था कि आपका 22 तारीख को कोई ना कोई फैसला सुनाएंगे। 22 तारीख तक हमने इनकी बहुत ही इंतजार की, हमारे को कोई किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं मिला। उसके बाद हमारे को मजबूरन 25 तारीख को फिर हम यहाँ डीसी ऑफिस में गए, एक विज्ञापन दिया और विज्ञापन देने के बाद वो विज्ञापन का भी हमें अब तक कोई जवाब नहीं मिला। अब मेरी नगर पालिका संघ से हैं, मैं फायर ब्रिगेड में फायरमैन के पद पर कार्यरत हूँ। सरकार ने कई बार हमारी मांगे मान ली है, जोखिम भत्ता मान लेते हैं, कह पक्का भी करेंगे आपको, लेकिन जैसे ही उसको 10-15 दिन हो जाते हैं हड़ताल ख़त्म कर देते हैं हम, उसके बाद कुछ नहीं है, बस उसके बाद फिर नए सिरे से करते हैं। अब हम अपना स्थानीय निकाय मंत्री है कमल गुप्ता, उनको हमने ये ज्ञापन दे दिया है और मई के अंदर हम हड़ताल करने जा रहे हैं। सर ये नगर पालिका कर्मचारी संघ के साथ ये हमारे साथ है और उसके बाद फिर अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, जब तक मांगे नहीं मानेंगी जब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम चले जाएँगे। सरकार जिम्मेवार होगी, उस टाइम फायर की ज़रूरत ज़्यादा होती है कर्मियों की, और अगर हम हड़ताल पर चले गए तो फिर आग नहीं बुझेगी। और एक और बात है, ये अंबाला जो है शहर, इसके अंदर 3 स्टेशन है, एक नारायणगढ़ है, एक अंबाला कैंट है, एक अंबाला सिटी है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।